जय श्री महाकाल। गरुड़ पुराण अध्याय एक। गरुड़ पुराण में मनुष्य के पाप और पुण्य के विषय में बताया जाता है। मनुष्य किन कर्मों के करने से यमलोक में नरकीय यातना को भोगते हैं और किन कर्मों को करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस विषय का विस्तार से वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। और गरुड़ पुराण सुनने मात्र से मृतक की जीव आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण को ऋषियों ने सूत जी से श्रवण किया था और सूत जी गरुड़ पुराण में उस कथा को सुनाते हैं, उस वृतांत को सुनाते हैं जिस वृतांत को स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था। चलिए हम प्रारंभ करें गरुड़ पुराण के विषय में। ओम विष्णवे नमः। अथो प्रथमोध्याय। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1,000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल हवन और पूजन दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर और सम्मान के साथ पूछा। ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को हमने आपसे सुना, अब भय को देने वाले यम मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न क्लेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख को भोगते हैं, हम वह सब सुनने की इच्छा रखते हैं। आप उस वृतांत को कहने में सक्षम हैं, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों के लिए सुख देने वाला है तथा जिन लोगों ने पाप किए हैं उन्हें वह बहुत ही अधिक दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान विष्णु से पूछा था और विष्णु ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुमसे कहूंगा। निसंदेह होकर आप इस कथा का श्रवण करें। एक समय वैकुंठ में भगवान विष्णु विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने उनसे प्रार्थना करते हुए पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा, इस भयंकर यम मार्ग को मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों को और स्त्रियों को यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आप उसका अति सुगम रास्ता और यमलोक का दुख वाला रास्ता विस्तार से वर्णन करें। फिर वे नरक में जाते हैं, ऐसे नराधम पुरुषों को धिक्कार है जो आपकी पूजा से विमुख हैं, जो सत्कर्म नहीं करते हैं, जो धर्म नहीं करते हैं, जो वेद पुराण आदि का पारायण नहीं करते हैं और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, ऐसे जातकों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुख को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। भगवान ने कहा, हे गरुड़, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं तुमसे कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में बहुत भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में लगे रहते हैं तथा दया धर्म जिनके अंदर नहीं होता है। दुष्ट पुरुषों के वो साथी होते हैं, शास्त्र तथा सतसंगति से बहुत दूर होते हैं। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार नहीं करते, धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त करते हैं और दैवीय संपदा को त्याग देते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम और भोग में संलग्न रहते हैं। हे प्राणी, अपवित्र नरक में जाने के लिए होते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है, उसको सुनो,
वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं वह भी मैं तुमसे कहता हूं। सुकृत या दुष्ट भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे व्याधि आदि युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं, उसको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में वे भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए अन्न को भोजन को कुत्ते की तरह खाता है, रोग युक्त है, भोजन करता है वह पचता नहीं है, अल्पहारी हो जाता है एवं चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राण वायु निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, कप के अधिक होने से नाड़ी सब प्रकार से बंद हो जाती है, खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर का शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित हो जाते हैं, उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने से बोल भी नहीं सकता। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधु जन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं, उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो दर्द होता है ऐसी वेदना उस समय मरने वाले व्यक्ति को होती है। उसके बाद मुख पर फैन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं, वे बड़े भयानक व क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पास दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं, दांत से कटकट का शब्द करते हैं, कौवे जैसे काले ऊंचे केस हैं, उल्टे मुख वाले हैं, नख ही जिनके आयुध हैं। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र का त्याग कर देता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ शरीर से निकल जाता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। चलो जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभीपाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधु जन का विलाप सुन प्राणी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह कांपता हुआ कुत्तों की तरह काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए यमलोक के मार्ग में जाता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है, मार्ग में दावानल पवन भी तापयमान रहता है और भड़भूजे जैसी गर्म बालू वहां बिछी रहती है। इस कारण से वे चल भी नहीं पाते हैं, उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव की तपित हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह श्रांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छित हो जाता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है, वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ही ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं, इससे वहां प्राणी यम तथा यम की आतना को देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से दूतों द्वारा
आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आ जाता है। घर में आकर अपने शरीर में प्रवेश करना चाहता है, परंतु यम के दूत के पास बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। भूख और प्यास से बहुत दुखी हो रोता ही रहता है। हे गरुड़, पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं उसी से प्राणी की तृप्ति होती है, परंतु इस समय वह इन चीजों से भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जल की अंजलि नहीं ठहरती है। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं करते हैं वे प्रेत बन जाते हैं, कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता है। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले, तृतीय भाग यम दूत का है तथा चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने फिरने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि और षष्ठम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुह्य, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें 10वें दिन से क्षुधा तृष्णा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा और द्वादशा में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुण, वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमपुरी पड़ती है। पापी प्राणी पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराज की पुरी को जाते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य नरकीय यातना को भोगने के लिए मृत्यु के उपरांत यमलोक जाकर पुनः भूमि पर आ जाते हैं, और भूमि पर आने के बाद 13 दिन तक वह अपने घर पर ही रहता है और पुत्रादि के द्वारा पिंडदान एकादशा और द्वादशा श्राद्ध को ग्रहण कर पुनः पुनः यमलोक की यात्रा पर निकल जाता है। यह गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय है जिसे आपने श्रवण किया। आगे और भी अध्याय आप लोग श्रवण करेंगे। आप वैदिक सनातन धर्म YouTube चैनल पर एवं महाकाल तंत्र ज्योतिष YouTube चैनल पर इस गरुड़ पुराण को श्रवण कर सकते हैं। अगले विषय को लेकर, द्वितीय अध्याय को लेकर पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्रीमन्नारायण।